This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So 8 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 9 अक्टूबर 2020 के लिए क्या स्टॉक्स बेटर रहेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए 8 अक्टूबर की बात करें तो देखिए गोदरेज अगार का जो लेवल था वो यूट्यूब पे गलत हो गया था, तो मैंने इसे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। उसके बाद हमारा गोदरेज अगारों में जो है बाय साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट अचीव हुआ, बाकी के जो स्टॉक्स थे वो सही थे। ऑल इंडिया में हमारा बाय साइड का एक और बाय साइड के दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए। पॉलीमेड में हमारा क्या हुआ कि बाय साइड का एक टारगेट अचीव हुआ, शॉर्ट सेलिंग साइड का दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए। और अडानी पोर्ट्स में हमारा बाय साइड का एसएल हिट हो चुका था और शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ये कॉल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की थी, अभी भी मैं आपको दो कॉल्स प्रोवाइड करूंगा, दो कॉल टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा। और अगर आप चाहते कि छोटे शेयर प्राइस वाले स्टॉक्स आपको चाहिए, आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बाकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की। तो पहला स्टॉक है मेरा एक्सिस बैंक, जिसे आप बाय करके चलेंगे 450-4 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 451 का, टारगेट रहेगा 456, 460 और 464 का। ध्यान रखेंगे बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, 454.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे। शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसकी 450, स्टॉप लॉस है 453, टारगेट है 448.50, 444 और 440 का। 450 का जब लेवल ब्रेकआउट होगा यानी कि 449.90 तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि पहली बार में अगर आपका टारगेट अचीव होता है दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे, बट पहली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा चिग्निटी टेक्नोलॉजी, जिसे आप बाय कर सकते हैं 480 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 476 का, इसमें भी लेवल ब्रेकआउट होगा 480.10 का तब आप इसे बाय करेंगे, एग्जैक्ट 480 पे बाय नहीं करेंगे। टारगेट रहेगा आपका 482, 486 और 492 का। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 474 की, स्टॉप लॉस रहेगा 478, टारगेट रहेगा 472, 468 और 464 का। ध्यान रखेंगे अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 AM का, 10 AM के अंदर गैप फिल होना चाहिए। गैप फिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर वो एक मिनट का होल्ड लेगा, होल्ड यानी कि अप एंड डाउन करेगा, उसके बाद बाय के लिए ये कंडीशन है। गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए ये कंडीशन अप्लाई है, वरना आप नॉर्मल जैसे ट्रेड करते हैं वैसे कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, बिगनर हो, सीखना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेक्स्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल मैं आपको वहाँ बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो जितना हो सके शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।